चाहूंगा कि डॉक्टर योगेंद्र यादव से जो भी यहाँ बात कही आप लोगों को, वो एक बात किसी व्यक्ति की नहीं है, ये हमारे द्वारा यानी किसानों के द्वारा चुनी हुई सरकार की आदेश है, वो निर्देश है, वो फैसला है। वो ये जो कोर कमेटी हमारी है संयुक्त किसान मोर्चा की, यही हमारी सरकार है वर्तमान में, क्योंकि जो वर्तमान की सरकार है उससे तो हमारी लड़ाई है, और लड़ाई लड़ने के लिए हमने अपनी सरकार चुनी है, और वो सरकार है हमारी कोर कमेटी। कोर कमेटी के बिना निर्देश और बिना आदेश के कोई भी काम करना ये हमारे आंदोलन को तोड़ने का हिस्सा हो सकता है। इस साजिश से हमें अलर्ट रहना होगा। हमारे दुश्मनों की हमेशा चाल रही है, हमारे दुश्मनों का हमेशा जो घुसपैठ करके यानी अंदर घुस के तोड़ने का मामला रहा है, चाहे वो जाति व्यवस्था के नाम पर हो, चाहे वो हमारे बड़े बड़े आंदोलनों को तोड़ने के नाम पर हो, चाहे मौर्य साम्राज्य को अंदर से तोड़ने के लिए घुसपैठ हो, ये घुसपैठ ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए उस घुसपैठ को होने नहीं देना है। हमें अपने आस पास इर्द गिर्द में नजर रखनी है, अलर्ट रहना है कि कौन व्यक्ति किस प्रकार की बात कर रहा है, कौन व्यक्ति किस प्रकार की गतिविधि कर रहा है, उसके ऊपर हमें नजर रखनी होगी। नहीं तो भारत देश के अंदर जो आजादी की तथाकथित आजादी कहते हैं, या 26 जनवरी जिसकी बात हम कर रहे हैं, 26 जनवरी 1950 को जो इस देश के अंदर संविधान लागू हुआ था, और उस संविधान की वजह से हम तमाम लोगों को जो अधिकार मिले थे, वही हमारी असली आजादी थी। उस असली आजादी के बाद में 70-71 साल बाद में इस साल यानी 2021 की 26 जनवरी हमारे लिए एक बड़ा संदेश लेकर के आई है, उसको हमें समझना होगा। जो भी कार्यक्रम यहाँ पर बना है उस कार्यक्रम को तहे दिल से स्वीकार करते हैं, और आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप भी तहे दिल से स्वीकार करके हमारी कोर कमेटी यानी कि किसानों की सरकार जो चुनी हुई है, 7 मेंबरी कमेटी जो चुनी हुई है, उसका हम लोग पूरा पूरा निर्देशों का पालन करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। साथ ही साथ आप लोगों से अनुरोध भी करूंगा कि उन कोर कमेटी यानी हमारी चुनी हुई सरकार का हौसला भी बना करके रखें, और हौसला बनाकर रखने के साथ साथ उन लोगों को सही दिशा भी देने का काम करें। जो भी हमारे संगठन में बहुत सारे समझदार लोग हैं, जिन लोगों ने कोर कमेटी को चुना है, उस कोर कमेटी को भी जो सलाह दे सकते हैं वो सही सलाह दें। मैं इस आंदोलन के बारे में आप लोगों को अगवा करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि इस देश के अंदर इस आंदोलन का असली रूप क्या है। आप लोगों ने देखा होगा बड़ा लंगर लग रहा है, बड़ी भीड़ लग रही है, बड़े साधन आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बॉर्डरों पर टिके हुए हैं। ये सब तो होता है आंदोलनों में होता है। कभी किसी गांव को घेरा जाता है, कभी किसी जिले को घेरा जाता है, कभी किसी तहसील को घेरा जाता है, कभी राज्य की राजधानी को घेरा जाता है, लेकिन इस आंदोलन को भी चारों तरफ से घेरा गया है। ये आंदोलन बहुत ही हो गया। उसके साथ साथ इस आंदोलन की मैं आपको खासियत बताना चाहता हूं, और वो खासियत आपके सीने को चौड़ा कर देगी, और मोदी के 56 इंच वाले को 12-14 पे ले आएगी। इस आंदोलन की खासियत क्या है? आज दिन तक भारत में 70 सालों में जितने भी आंदोलन हुए हैं, हमेशा आंदोलनकारियों ने रास्ते जाम किए हैं, हमेशा आंदोलनकारियों ने रास्ते जाम किए हैं। इस आंदोलन की खासियत यह है कि भारत सरकार रास्ते जाम कर रही है। पहली बार भारत सरकार को रास्ते जाम करने के लिए मजबूर हो रहा है। सारा का सारा पासा पलट चुका है, उल्टा हो चुका है। लेकिन आप लोगों को साथियों, जोश में होश नहीं खोना है। जोश जरूरी है, लेकिन जोश वही सफल होता है जो पूर्ण होश और हवास के साथ में चलाया जाता है, वही जोश सफल होता है। आज खाली जोश हमें खड्डे में गिरा सकता है, खाली जोश हमारे इस आंदोलन को खत्म कर सकता है, खाली जोश हमारे आंदोलन को डाइवर्ट कर सकता है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप पूरे धैर्य के साथ काम लें, आप पूरी तरह से, अरे कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। हम ये बात करें कि इस देश की तथाकथित आजादी की बात करें, तो 1857 में जो आंदोलन शुरू हुआ था, 1947 में आकर के सफल हुआ, 90 साल लगे थे। अरे आप 90 दिन तो इंतजार कर लो, 90 दिन में बहुत बड़ा कमाल हो जाएगा, बहुत बड़ा कमाल हो जाएगा। ये आंदोलन अब राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुका है। ये आंदोलन किसी खास तौर पे किसानों का आंदोलन नहीं रहा है, यहाँ महिलाओं का आंदोलन बन गया है, बेरोजगारों का आंदोलन बन गया है, स्टूडेंट्स का आंदोलन बन गया है, यहाँ पर ये आंदोलन मजदूरों का आंदोलन बन गया है, यहाँ पर ये आंदोलन जिनकी नौकरियां छीनी जा रही है उन कर्मचारियों का आंदोलन बन चुका है, यहाँ संविदा के तौर पर जिन पढ़े लिखे लोगों का शोषण हो रहा है उनका आंदोलन बन चुका है। अर्थात ये जन जन का आंदोलन बन चुका है, ये जन जन का आंदोलन बन चुका है। इसलिए हमें पीछे नहीं हटना है।
ये जन जन का आंदोलन क्यों बना है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसानों के लिए जो तीन बिल पास किए गए किसान विरोधी बिल, इसकी जानकारी तो हम लोगों को हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बिल हैं और मैं ये कहूंगा कि उस बदमाशों के पास पूरी की पूरी बिल बुक है जो धीरे धीरे खुल रही है, हम उस पर नजर गाड़े हुए हैं। वो जब भी करवट बदलते हैं, उनकी करवट बदलने का कारण क्या होता है हम समझते हैं। आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि उन्होंने मजदूरों का जो वर्क टाइम है जो बाबा साहब अंबेडकर ने और भारत के संविधान ने उस वर्क टाइम को 8 घंटे का वर्क टाइम किया था, 8 घंटे से ज्यादा कोई मजदूर काम नहीं करेगा और उस 8 घंटे के बीच में उसको 1 घंटे का रेस्ट मिलेगा और सप्ताह में उसको 1 छुट्टी मिलेगी, ये कानून बनाया हुआ था। उन्होंने संविधान को बदल करके इस देश के अंदर इस कोरोना काल के माध्यम से कहते हैं या फिर लॉकडाउन की आड़ में उन्होंने उस कानून को बदल दिया है और संविधान को बदल करके उन्होंने 12 घंटे मजदूर का वर्क टाइम कर दिया है। आप लोगों को उस बात का पता नहीं होगा, आप लोगों को तो इस बात की पता नहीं होगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने इस संविधान से पहले जब महिलाओं को 9 साल की उम्र में शादी के लायक समझा जाता था, 9 साल के बाद उसकी शादी कर दी जाती थी, बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश के बदमाशों से भी और अंग्रेजों से भी लड़कर के 18 साल की उम्र की ताकि लड़कियां पढ़ लिख करके आगे बढ़ सके और देश के ऊंचे औहदों पर जा सके। आपको पता नहीं होगा, आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी, आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि उन्होंने एक और काला कानून बनाया है जिसमें महिलाओं की उम्र 18 साल से लड़कियों की उम्र 15 साल शादी के लिए कर दी है। अभी आपको पता नहीं है, हम उनकी खोज में लगे हुए हैं, हम उनकी करवट पर नजर रखाए हुए हैं, उन्होंने क्या क्या इस देश में बेच दिया है। आपके राजस्थान की राजधानी जयपुर का एयरपोर्ट जनवरी के अंदर जाने वाला है, मतलब जा तो चुका है, सिर्फ हैंडओवर करना रह गया है। क्या क्या बचा है इस देश के अंदर, क्या ये आंदोलन किसान आंदोलन तक सीमित होना चाहिए, क्या ये समस्या सिर्फ किसानों की समस्या है, नहीं, ये प्रत्येक अन्न खाने वाले की समस्या है, क्योंकि उसको जो 1000 रुपए किलो गेहूं खरीद करके 5000 और 10000 तक क्विंटल गेहूं नहीं मिलेगा, ये उपभोक्ताओं की भी समस्या है। हम उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा नेटवर्क इंटरनेशनल लेवल पे भी है, लेकिन हम लोग भारत के अंदर तहसील और ब्लॉक और गांव लेवल तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं। हम यहाँ डट चुके हैं, हमारा एक कैंप यहाँ लगा हुआ है, जिस तरीके से रात हमने भी आपके साथ गुजारी है और एक ही रात नहीं, हम लोग सफलता तक हर रात आपके साथ गुजारेंगे। हम लोग जितने भी बॉर्डर हैं उन बॉर्डर पर जाएंगे और यहाँ हमारा कैंप है, यहाँ कार्यकर्ता आएंगे जाएंगे संख्या बढ़ाएंगे, उधर भी कैंप लगा हुआ है। तो साथियों, मैं आप लोगों से अपनी बात समाप्त करने से पहले एक निवेदन जरूर करूंगा कि आप जय किसान जय जवान के साथ जय संविधान का नारा जरूर लगाएं, क्योंकि ये संविधान ही है जो हमें आज यहाँ बैठने का भी अधिकार दे रहा है, वरना हमें तो बोलने का अधिकार नहीं था। भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 19 का खंड 1 कहता है और उसका उपखंड 1 क्या कहता है कि आपको बोलने की और विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार दिया जाता है। इसका मतलब है 26 जनवरी 1950 से पहले आपको बोलने का अधिकार भी नहीं था, ये माइकों पर भाषण देने का अधिकार तो बहुत दूर की बात थी, आपको अपना दुखड़ा सुनाने का भी अधिकार नहीं था। इस संविधान ने आपको बोलने का अधिकार दिया, संविधान ने आपको संगठन बनाने का, संघ बनाने का, सम्मेलन करने का अधिकार दिया, इस देश की धरा धरती का मालिक बनाया, इस देश में कहीं पर भी जाकर के बिजनेस करने का अधिकार दिया, आपको कहीं पर भी घर बनाकर रहने का अधिकार दिया। उस संविधान की जय जब तक नहीं होगी तब तक हमारी जय कभी भी नहीं हो सकती, इसलिए संविधान की जय होनी चाहिए। मैं आप लोगों को संविधान की बात के अनुसार बताना चाहूंगा कि बहुत सारे हमारे लीडर्स यहाँ हैं, शायद उनको जानकारी नहीं है या फिर वे जानबूझकर, मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन जो समझ में आता है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। हम भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं या नहीं, आप पहले यस या नो कहें, जो नहीं है वो हाथ नीचे करे, जो है वो हाथ खड़े करे। हम भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो आपसे पूछता हूं भारत के संविधान का आर्टिकल 1 क्या है। इंडिया दैट इज भारत, भारत के संविधान का आर्टिकल 1 है इंडिया दैट इज भारत, यानी संविधान सभा ने कहा कि इंडिया जो अंग्रेजी के अंग्रेज कहते हैं ये भारत है, इसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन हम हिंदुस्तान 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 कर रहे हैं, हमें हमारे पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अरे हमारा दुश्मन जो है वो हिंदुस्तान बनाना चाह रहा है,
को हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहा है, इस देश के सिखों को मारना चाह रहा है, मुस्लिमों को मारना चाह रहा है, किसान कृष्णों को मार रहा है, मारना चाह रहा है, किसानों को मारना चाह रहा है, कम्युनिस्टों को मारना चाह रहा है, वो इस देश के दलितों को मारना चाह रहा है, इस देश के एससी एसटी को ओबीसी को मारना चाह रहा है, और आप लोग कह रहे हैं जय हिंद। वाह भाई वाह, और हम आंदोलन भी सफल करेंगे। मेरी आप लोगों से विनती है, कोई बुरा न माने, हमें भारतीय संविधान का अपमान नहीं करना चाहिए, इसलिए इस मंच से कोई भी शब्द हिंदुस्तान शब्द ना बोले और इस देश का संबोधन भारत से करे। भारत ही हमारा गर्व है, भारत ही हमारा संविधान है, भारत का संविधान है, इस देश में कोई हिंदुस्तान का संविधान नहीं है। इसलिए मुझे चिट्ठी मिल गई है, शायद मैंने कुछ ज्यादा कह दिया होगा, लेकिन आपसे एक अनुरोध मैं जरूर करूंगा, संयम बनाकर रखें, आपसी जो है तालमेल बना करके रखें, एक दूसरे की बात को सुने समझे। मैं सुबह से कई संगठनों के लोगों से बात कर चुका हूँ, अभी जो जत्था यहाँ से निकला है उनके भी भाई राजू जी से मैंने बहुत विनती की, हाथ जोड़ के विनती की कि आप इस तरीके का कदम मत उठाओ, कहीं ऐसा ना हमें नुकसान हो जाए, और नुकसान तो होना तय ही है, अगर इस तरीके से हुआ तो हम संगठित होने की बजाय विघटित हो जाएंगे, टूट जाएंगे। इसलिए आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि आप सभी लोग आपसी तालमेल बना करके, सामंजस्य बना करके, पूरे धैर्य के साथ इस लड़ाई को लड़ें। इस लड़ाई को हमें बहुत लंबा लड़ना पड़ेगा, हो सकता है कि डर के मारे एक दो कानून वापस लेकर के कल हमें संतुष्ट करने की कोशिश करे, लेकिन हमें संतुष्ट नहीं होना है, हमें संतुष्ट होना है एक ही बात पर कि भारत का संविधान मूल रूप से लागू किया जाए। मूल रूप से जो संविधान लागू होगा तभी हमारा भला हो पाएगा। उन्होंने संविधान के अंदर संशोधनों के नाम पर, अमेंडमेंट के नाम पर सिर्फ बदलाव किए हैं, सिर्फ बदलाव किए हैं। आप पढ़ लेना संविधान को, संविधान की कॉपी में लेकर के आया हूं, आप संविधान में संशोधन जितने हुए हैं। अरे संशोधन शब्द क्या होता है, संशोधन का मतलब होता है उसमें कुछ अच्छा, उसके अंदर कुछ अच्छा, अच्छा नहीं किया गया है, अमेंडमेंट नहीं किया गया, कुछ छोड़ा नहीं गया है, बदला गया है। और ये किसान का जो बिल है ये भी 78 में पास हो गया था, और इसी को बदले हुए बिल को लागू करने का काम किया जा रहा है। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा, जैसे भी संचालन कमेटी का हुक्म होगा मैं आपके बीच में आता रहूंगा। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि एक बार सब जोर से कहेंगे जय किसान, जय किसान।